ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ନଦୀ ଭିତରେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ପରିମାଣ କେତେ ଅଛି, ପାଣିରେ ପିଏଚ୍ର ପରିମାଣ କେତେ ଅଛି, ଏସବୁ ଅତି ସହଜରେ ଜାଣିହେବ। ଯାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏମ୍ଟେକ୍ ଛାତ୍ର, ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସର୍ଭିଲେନ୍ସ ବୋଟ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜେ ଚାଳିତ ସ୍ୱଚାଳିତ ଆଉ ଗୋଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁକି ସାଧାରଣତଃ ବୋଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏଭଳି ଏକ ବୋଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯାହା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କୂଳକୁ ଆସିବ। 100 କ୍ୟୁବ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ଆଜି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛୁ, ଆମେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମେଳାରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସାୟକ ହଲଦର, ଯିଏ ଏମ୍ଟେକ୍ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏବଂ ଯିଏ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ये क्या चीज है, इसको कैसे आपने बनाया है और इसका काम क्या होगा, जिसको आप बोल रहे हैं कि ये पानी के अंदर जाएगा, पानी से डाटा लेगा, क्या डाटा लेगा और इसमें ऐसे क्या स्पेसिफिकेशन है जो पानी से डाटा निकाल पाएगा? सो एक्चुअली ये एक अंडर वाटर ग्लाइडर है, सो हमेशा सरफेस में न्यूट्रली डेड रहने वाला है। जैसे ही हम इसको ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे तो ये पानी थोड़ा सा अंदर ले लेगा, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर चले जाएगा। एक पर्टिकुलर लेवल के बाद हम लोग ये सेंसर मॉड्यूल को एक्टिवेट कर देंगे। अब ये सेंसर मॉड्यूल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसर होते हैं, वो डेटा कलेक्ट कर लेगा, और पानी के अंदर हम डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते, तो एक बार डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा तो पानी को थ्रो आउट कर देगा और फिर से वो सरफेस में आ जाएगा। एक बार सरफेस में आ जाने के बाद ये जो डेटा है ये सैटेलाइट को भेज दिया जाएगा और सैटेलाइट से हमारे बेस सेंटर में आ जाएगा। इसका प्रोसेस का ये बेनिफिट है कि ये काफी एक लॉन्ग ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो बैटरी है वो यूज नहीं होने वाला है, वो ऑफ स्टेट में रहेगा। एक पर्टिकुलर डेप्थ में जाने के बाद ऑफ हो जाएगा, फिर वो उसमें डेटा कलेक्ट करेगा और फिर से वो इजेक्ट आउट होकर सरफेस पे आ जाएगा, फिर से हम ऑन करेंगे। अभी जो ऊपर आ रहा है उसके टाइम पे हमको बैटरी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो पानी के फोर्स की वजह से ही ऊपर आ जा रहा है। यही है, इसी के वजह से ये काफी एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम आ सकता है। इसमें क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक और सेंसर जो आपने बताया, तो ये सेंसर को आप कैसे मॉनिटर करेंगे? सेंसर मॉनिटरिंग तो बेसिकली हम लोग ने सेंसर को कैलिब्रेट करके रखा है। हमारे पास फिलहाल इस मॉड्यूल में पीएच सेंसर, प्रेशर सेंसर और TDS सेंसर है, हम लोग ने इसको कैलिब्रेट करके रखा है। एंड इसका डेटा हम लोग इसके मेमोरी कार्ड में अंदर स्टोर कर देते हैं और मेमोरी कार्ड से हम लोग सैटेलाइट से ले ले रहे हैं। सो हम लोग ने इसको ऑलरेडी सेट करके रखा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के अगेंस्ट, इसको टेस्ट करके रखा है कि हाँ दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। एंड हम लोग ने हर एक चीज में 5-5% का एरर फैक्टर रखा हुआ है। ये आपने पहले कहाँ टेस्ट किया था जिसमें ये सक्सेस हो जाने के बाद आपको लगा कि ये समुद्र और नदी में काम कर? फिलहाल हम लोग ने इसको स्विमिंग पूल्स में ही टेस्ट किया है। हम लोग ने IIT भुवनेश्वर का जो स्विमिंग पूल है उसमें अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया है, बट हम लोग ने नेचुरल जो पॉन्ड्स है जटनी में भी, हमारा जो जहाँ पे कॉलेज है वहाँ पे भी इसको टेस्ट किया है। फिलहाल तो इसका मोशन सक्सेसफुली हम अचीव कर रहे हैं। हम इसको धीरे धीरे बड़े स्केल में लेके जाना चाह रहे हैं, डायरेक्टली ओशन में नहीं, बट अभी स्विमिंग पूल्स में हुआ है, फिर हम लोग का चिलिका का अगला टारगेट है और उसके बाद ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, तो एक बात जो आपने बताया, यहीं से पानी लिया जाएगा, फिर जितना पानी लिया जाएगा उसमें से डाटा निकालेगा, इधर से नहीं आएगा डाटा, पानी से इधर आ जाएगा। और एक बात जो आपने बताया कि यहीं से डाटा सीधे सैटेलाइट में जाएगा, वो कैसे जाएगा, कौन सा टेक्निक यूज किया गया है जिसमें से ये कलेक्टेड डाटा सैटेलाइट में जाएगा? इसमें हम लोग ने GSM मॉड्यूल लगा देंगे। सो बेसिकली जो हमारा फोन का सिम कार्ड होता है उसी काइंड का, सो डेटा हमारे मेमोरी कार्ड में स्टोर हो जाएगा और डेटा उस GSM मॉड्यूल से सैटेलाइट में चले जाएगा और वो सैटेलाइट से फिर हमारे बेस सेंटर में आ जाएगा। तो वही काफी बेसिक सा फोन का ही टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि पानी के अंदर हमारे पास Wi-Fi नेटवर्क, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं होता है, तो GSM कनेक्टिविटी हम यूज करने वाले हैं, उससे ही हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। सर्विलेंस बोट आपने तैयार किया है, इसमें एक कैमरा भी लगा है जो पानी में रहेगा और सर्विलेंस कर पाएगा, क्या सर्विलेंस पानी में कर पाएगा और ये कैमरा का रोल क्या होगा? एक कैमरा बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं इसको मॉनिटरिंग करने के लिए, एज वेल एज एक रिकॉर्डिंग रखेगा हम लोग के पास कि ये क्या क्या उधर से डेटा कलेक्ट कर रहा है और किस टाइप का वाटर बॉडी में हम है, सामने कोई ह्यूमन आ जाए, कुछ ये आ जाए तो इमरजेंसी केसेस के लिए इसको स्टॉप कर दे। इवन ये रिमोट कंट्रोली ऑपरेटेड बोट होने वाला है, इसमें भी हम लोग सेंसर मॉड्यूल हमारा लगने वाला है जो कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेस पे डिपेंड करता है। एक बार कस्टमर ने हमको ऑर्डर दे दिया तो हम लोग उस टाइप का एक सेंसर मॉड्यूल लगा लेंगे और फिर इसको ऑपरेट कर सकते हैं। काफी एक लार्ज वाटर बॉडी में हम इसको भी छोड़ सकते हैं, बट इसका एक लिमिटेशन यही है कि ये सरफेस वाटर का मॉनिटरिंग करेगा। जैसे ये काफी एक डीप वाटर के लिए मॉनिटरिंग करता है, ये सरफेस वाटर मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है और इससे हम लोग
प्रेशर वगैरह फर्क करके इवन सुनामी साइक्लोन तक का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रेशर फ्लक्चुएशन से हम काइंड ऑफ एक जजमेंट ले सकते हैं कि साइक्लोन का कुछ चांसेस है कि नहीं, उस टाइप का ये काम करेगा। ये सर्विलेंस करेगा अप वाटर, मतलब पानी के ऊपर रहेगा, रिमोट कंट्रोल में चलेगा, तो क्या क्या सर्विलेंस कर पाएगा ये जिसको आपको फायदा होगा? सो एक्वाटिक लाइफ के लिए हम लोग सर्विलेंस इसको यूज कर सकते हैं। पानी का क्वालिटी खराब हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग टर्बिडिटी सेंसर होता है कि पानी में कितनी मट्टी है वो हम पता कर सकते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी में कितना ऑक्सीजन है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होना पड़ता है तभी पानी अच्छा होता है, तो वो हम मॉनिटर कर सकते हैं। पीएच सेंसर मॉनिटर कर सकते हैं, सॉल्ट कितना है वो मॉनिटर कर सकते हैं। इस टाइप की सब चीजें हम लोग इससे मॉनिटर कर सकते हैं। क्या ये भी सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट रहेगा? इसको हमको सैटेलाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, इवन अगर हम लोग इसको काफी लॉन्ग डिस्टेंस में भेज रहे हैं तो हम इसको सैटेलाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस की, जहाँ पे इसका डाटा हमारे पास वापस नहीं आ सकता है। करंटली इसका जो रेंज है वो 30 किलोमीटर का रेंज है। हम लोग ये रिमोट कंट्रोल को यूज करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं और इसका रेंज 30 किलोमीटर का है। मतलब 30 किलोमीटर रेंज के अंदर आप रिमोट से इसको वापस बुला लेंगे, फिर आप इनसे डाटा। हाँ, ट्रू। और एक आपने ये बोट बनवाया है जो जो ऑटोमेटिक चलेगा और रेस्क्यू कर पाएगा, ड्राउनिंग पीपल को रेस्क्यू कर पाएगा, इसका कितना कष्ट है और आपने कैसे इसको प्रिपेयर किया? सो इनिशियली हम लोग ने इसका एक मोल्ड क्रिएट कर लिया था, मोल्ड यानी ढांचा, एक सिंपल सा ढांचा हम लोग ने इसका क्रिएट कर लिया था। एक बार हम लोग ने इसका ढांचा क्रिएट कर लिया तो हम लोग ने इसमें ग्लास फाइबर का कोटिंग लगाया। ग्लास फाइबर का कोटिंग जैसे हम लोग मूर्ति बनाते हैं वही मूर्ति जैसा, इसमें हम लोग ने ग्लास फाइबर का कोटिंग लगा के बाद उसको सॉलिडिफाई करने के बाद उसको बस निकाल लिया, तो हमारे पास ये शेप आ गया। अब द इनिशियल कॉस्टिंग ऑफ द मोल्ड वो था कुछ समथिंग अबाउट 40,000 to 50,000, बट उस एक मोल्ड से हम लोग काफी सारे बोर्ड्स ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल नॉट कॉस्ट मच। और बाकी बात इसमें भी सेम, हम लोग इसमें मशीन लर्निंग का यूज करने वाले हैं जिसके हम लोग ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई फ्लैप कर रहा है क्या पानी के अंदर, कोई हड़बड़ी मची है क्या, तो बेस्ड ऑन दैट वो डिटेक्ट कर लेगा कि मे बी सम कोई ड्राउन कर रहा है, तो ये जाके उसके पास पहुंच जाएगा। और इन दोनों का मेन डिफरेंस यही है कि ये जो डेटा वाला बोट है ये काफी स्लो सा बोट है, बट वो एक रेस्क्यू बोट है इसलिए वो काफी हाई स्पीड पे ऑपरेट करने वाला बोट है, तो बेस्ड ऑन दैट डिफरेंट थ्रस्टर्स उसमें यूज होंगे और उसमें सेंसर का कोई काम नहीं है, बट मेनली मशीन लर्निंग बेस्ड ह्यूमन रेस्क्यू बोट। ये कैसे ऑपरेट किया जाएगा? ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा कि मशीन लर्निंग के बेस्ड, उसमें भी इस टाइप का कैमरा होने वाला है, वो कैमरा डिटेक्ट करेगा कि मे बी कोई कुछ तो ड्राउन हो रहा है, तो डिटेक्ट करने के बाद उसका एक लोकेशन लॉक कर लेगा, फिर वो अपने सेंसर्स को अपने माइक्रो कंट्रोलर को एडजस्ट कर लेगा और उस हिसाब से वो धीरे धीरे उधर पहुंच जाएगा, धीरे धीरे नहीं, एक काफी डिसेंट सी स्पीड पे। इसका रेंज कितना रहेगा? इसका एक्सेस कोई रेंज नहीं है, माइक्रो वो हम लोग को डिपेंड करता है कि वो मशीन लर्निंग का जो सॉफ्टवेयर है वो कितने दूर तक डिपेंड कर रहा है। यूजुअली हम लोग का आइडियली केस होने वाला है मतलब कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर सब कुछ डिटेक्ट कर ले कि कोई डूब रहा है कि नहीं डूब रहा है, वो पता करने के लिए। चलेगा किस में? जैसे दूसरे बोट फ्यूल में चलता है, इंजन में चलता है, ये कैसे चलेगा? बैटरी, ये भी बैटरी पे चलेगा, ये भी बैटरी पे चलेगा, और इन पे सोलर पैनल भी लग जाएंगे, तो ये जब आइडियल स्टेट में होंगे मतलब जब इनका ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो उनका बैटरी चार्ज होते रहेगा, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं होगा कि बैटरी खत्म हो गया वगैरह वगैरह। हम लोग इस पे सोलर पैनल्स लगा लेंगे तो जब ये आइडियल स्टेट में होगा चलेगा नहीं तो वो बैटरी वापस से रिचार्ज होते रहेगा। अपन देखुले दुईटी बोट तैयारी करा जायची, गोटे होउची सर्विलेंस बोट आ गोटे होउची अनमैन्ड रेस्क्यू बोट कुहा जाउची, जोटे कि आमे पूर्वरु देखिछु ओड्राप एवं एनडीआरएफ जो समय रे जने बुडी जाउथवा लोक को उद्धार करबा पई बोट रो साहाज्य नैथांती, ये होउची अनमैन्ड रेस्क्यू बोट, याकु रिमोट ये ऑटोमेटिकली बैटरी साहाज्य रे आइडेंटिफाई करिवो जने बुडी जाउची लोक जदि ता पाखरे पहुचिवो एवं ताकु से निजे उद्धार करि कूल को आनिबो। एई दुईटी बोट को प्रिपेयर करचंती आईआईटी भुवनेश्वर छात्र एवं ये संपूर्ण भाव रे बैटरी रे चालिबो एवं पुणी थरे जेतेबेले बैटरी चार्ज हबो अर्थात जदि सोलार पैनल आधार लागिबो ताहेले जो समय रे एगुडी को काम रे लागू नहीं से समय रे सोलार पैनल जरिया रे बैटरी मध्य फुल चार्ज करिबो, तेणु साइंटिफिक उपाय रे कम कॉस्ट रे एभली नुआ नुआ जिंस डेवलप करा जाउची जहा कि आगामी नुआ पीढ़ी को गोटे नुआ बार्ता दउची एवं ए स्टार्टअप निश्चित भाव रे आगो को केउठी ना केउठी युवा पीढ़ी को खूब उत्साहित कर। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन दीपक सहित रोशन नाथ रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।